से कोई मोहब्बत और प्यार नहीं करता। इनकी मौजूदगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौजूदगी, उनकी कवरेज ये बात साबित कर रही है कि आज आप तमाम लोगों को स्पेशल पर्सन होने का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज आपके लिए ईद के खुशियों के तोहफे भी मौजूद हैं और आपकी पसराई के लिए वो जज्बात, वो लम्हात भी मौजूद हैं जिससे आप मुस्तहक हैं। यकीनन इन सबसे ज़्यादा मुस्तहक और काबिल तहसीन वो लोग हैं कि जो इनके लिए काम करते हैं, और इसमें यकीनन पाक डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी इस अजीम काम को लेकर आगे बढ़ रही है, और यकीनन इसकी रूह रवा मोहतरमा फजीला साहिबा जो कि इसकी सरबरा हैं, इसकी रूह रवा हैं, इन्होंने इन मजदूरों के लिए, इन मजदूरों की रहनुमाई के लिए, इन मजदूरों की इमदाद के लिए, इन मजदूरों के काम आने के लिए इस वेलफेयर सोसाइटी का एहतमाम किया है, और यकीनन इसमें वो तमाम लोग तहसीन के काबिल हैं जो इनके साथ इस कार्य खैर में इनका हाथ बटा रहे हैं। समीम हजरत, एक बात वादे करता चलूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल कंपेयर नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक फ़नून लतीफ़ा से है और फ़नून लतीफ़ा के लोग आम तौर पे यकीनन हसास होते हैं। मेरा ताल्लुक मुसव्वरी से है, मैं फाइन आर्ट का तालिब इल्म हूँ, फन मुसव्वरी मेरा शोबा है, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त राजा यामीन, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको इस तकरीब में आकर इस प्रोग्राम की निज़ामत संभालना है, तो मैं इनकी बात रद्द नहीं कर सका, क्योंकि मैंने ये वजाहत इसलिए की कि मैं एज ए प्रोफेशनल कंपेयर नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए, कोई गलती हो जाए या कोई भी कमी रह जाए मेरे इस काम में, तो आप ये सोच के नज़रअंदाज कर दीजिएगा कि मैं प्रोफेशनल कंपेयर नहीं हूँ। बहरहाल मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ और इतना कहूँगा कि जो पहले ज़मीन पर रहम करते हैं, यकीनन अर्शे बरी वाला उन पर रहम फरमाएगा। तो सामईन हज़रात, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर जिस शख्सियत को इजारे ख्याल की दावत दे रहा हूँ, यकीनन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। मोहतरमा फजीला साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और तारुफ बयान करें अपने पाक डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी का। मैं शुक्र गुजार हूँ बुखारी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, बुखारी साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, मोहम्मद नाजिम साहब, अमजद राना साहब और वकील फारूकी साहब और स्पेशली राजा यामीन साहब जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, जिनकी ताउन से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन करने में हामिद सिद्दीकी साहब, वसीम सिद्दीकी साहब, इश्तियाक साहब और मोइन साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन तमाम ऑर्गेनाइजर की शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए और हमारे इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शे, और अपने तमाम स्पेशल मेंबर जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, वो यहाँ पर मेरी एक कॉल में मौजूद हैं। मैं उन सबको देखकर इस वक्त यहाँ इस कदर खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। इस फैसले को अमल में लाने का मकसद है डिसेबल अफराद को गरागरी से निजात दिलाकर बाइज्जत रोजगार फराहम करने की तरफ माइल करना। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग डिसेबल अफराद को एक मादूर समझकर, एक बेसहारा और लाचार समझकर गुजार देते हैं, लेकिन हमारा मकसद उनको इस माशरे में बाइज्जत मकाम दिलवाना और उनके लिए अमली तौर पर कोशिशें करना है, ताकि ये लोग भी इज्जत के साथ अपने घर को चला सकें। और अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये मेरे लिए पहला मौका है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे सारे डिसेबल पर्सन लोग मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा फजीला जावेद साहिबा जो इजारे ख्याल फरमा रही थी रोजगार वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से।
अमीन हजरत, आज हमारे दरमियान यूं तो बहुत से जगमगाते सितारे मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक शख्सियत ऐसी भी मौजूद है कि जो ना सिर्फ सीनियर हैं अपने शोबे में, बल्कि किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। मैं उन्हें इजहार पहल की मुशावरत दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ कि अभी फजीला जावेद साहब आई यहाँ इजहार पहल कर लें, लेकिन आपने सच पूछो उनके काम और उनकी अजमत को फिराज तहसीन उस भरपूर तालियों से, उस भरपूर क्लैपिंग से पेश नहीं किया जिसकी वो मुस्तहक थी। तो मैं यकीनन ये आपसे तवक्को रखूँगा कि हमारे जो भी मेहमान स्टेज पे तशरीफ लाएँ और उनका यहाँ नाम पुकारा जाए, उनको भरपूर तरीके से आपको उनका इस्तकबाल करें तालियों में, ताकि उन्हें महसूस हो कि इस गर्मजोशी में आप उनके साथ हैं। उसामी नजर, मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं जिन शख्सियात को भी यहाँ दावत दूँ इजारे ख्याल की, जब वो यहाँ तशरीफ लाएँ तो आप भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। उसामी नजर, अब मैं इजारे ख्याल के लिए बुला रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं और डायरेक्टर हैं। आपका नाम जब मैं पुकारूंगा तो यकीनन यहाँ इस हाल में बैठे हुए हर शख्स ये चाहेगा कि उसकी भरपूर तरीके से उसका अफजाई की जाए और भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल किया जाए। तो मैं दावत दे रहा हूँ स्टेज पे आने की मोहतरम जनाब वकील फारूकी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और इजारे ख्याल फरमाएँ। मोहतरम वकील फारूकी साहब, साउंड इंजीनियर से मैं कहूँगा कि ये चेकिंग खत्म करें, सॉफ्ट टेस्ट लाएँ ज़रा, ये ऑन एयर प्रोग्राम को नहीं जा पाएगा क्योंकि दो चैनल इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, टैप साउंड आ रहा है, इसको सही करें ताकि मैं जो कुछ कहूँ वो सही रिकॉर्ड हो और चैनल वाले मुझे ऑन एयर करें। तो प्लीज़, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तरक्की की है, गांधी शरीफ भी कहा जाता है, गांधी टाउन भी कहा जाता है, लेकिन मुझे टाउन नासिर नज़र नहीं आ रहे, ना ही उनका कोई नुमाइंदा नज़र आ रहा है। मेरी समझ से बात आता है तो वो क्यों नहीं आ पाए। जहाँ तक मुझे इतला है कि सीएम साहब की कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में गए हैं तो वो कोई अपना नुमाइंदा भी भेज सकते थे और भेजना चाहिए था। बहरहाल हो सकता है कोई मजदूरियाँ हो, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, प्रोग्राम होते रहते हैं, ऐसे प्रोग्राम बहुत हो और होते रहेंगे। ये दोनों ट्रस्ट जो हैं अपनी कारकर्दगी से पहचाने जाएंगे। ये तो एक नवीन वारिद है जिसका नाम बाप्टिस चार महीने रजिस्टर्ड हुए, मेरा ख्याल चार माह में दो साल काम कर रही है और मैं ये देख रहा हूँ, ऐसा महसूस होता है जैसे